अंडा मिलता है? अंडा नहीं। फल मिलता है? नहीं ना। तल्ला स्कूल है, उसमें सीढ़ी नहीं है। झारखंड का राज्यपाल कौन है? क्यों नहीं बनाया गया, लकड़ी का सीढ़ी बनाया गया है, ऐसा क्यों? आदेश दे रहा हूं कि आप उस विद्यालय के शिक्षा विभाग में दिया तले अंधेरा, आधे अधूरे ज्ञान के साथ स्कूल में पढ़ा रहे हैं शिक्षक। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप जनता के द्वारा लगाया गया है। R9 भारत टीवी स्क्रीन पर लगातार देश में हो रहे भ्रष्टाचार या फिर शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के मामलों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इस कड़ी में आज हम सीधा रुख करेंगे झारखंड के चतरा जिले की तरफ, जहां हरहद स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक शिक्षा कब और कैसे देगा जब उसको ज्ञान ही नहीं होगा? जी हां, ऐसा आप अभी तस्वीरों में देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक को यह तक नहीं पता कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं कौन। यदि आप उनसे ये पूछ लें कि MLA क्या होता है और इसका क्या फुल फॉर्म है, तो शायद वह भी यह नहीं बता पाए। हरहद में दो तल्ला स्कूल का निर्माण तो हुआ है, लेकिन सीढ़ी भी नहीं है। स्कूल में सीढ़ी बनाने के बजाय पेड़ की टहनियों से निर्माण किया गया है। स्कूल की मनमानी रवैये और स्कूल के शिक्षक बदलने को लेकर चतरा DC को पहले ही ज्ञापन सौंपा गया है। पढ़ने पढ़ाने में अभिरुचि नहीं रखने वाले शिक्षकों को जांच के बाद हटाया जाएगा, ऐसा जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा। ले चलेंगे आपको खबर में विस्तार से। यह खबर है प्रतापपुर से, जहां माता पिता अपने बच्चों को यह सोचकर स्कूल भेजते हैं कि वह पढ़ लिख कर खूब तरक्की करेंगे, लेकिन क्या होगा जब भविष्य बनाने वाले ही भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगे। मंत्री कौन है इतना तक नहीं जानने पर और शिक्षा विभाग में नौकरी करने पर कितना अतिशयोक्ति या फिर कितना विलोम है। यह शिक्षक कहीं और के नहीं बल्कि प्रतापपुर प्रखंड के घोड़दौड़ पंचायत के हरहद गांव के रहने वाले हैं, यानी दिया तले अंधेरा। हरहद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक छात्रों के भविष्य को कैसे गढ़ रहे हैं, आप यह पूरा का पूरा नजारा R9 भारत टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और जनता के सामने अब सच उजागर किया जा रहा है। जरा देखिए यह वीडियो, शिक्षक किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। झारखंड का राज्यपाल कौन है? MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने देखा, शायद शिक्षक को ही नहीं पता है कि जो वह पढ़ा रहे हैं उसका जवाब क्या है। शिक्षा विभाग हर साल बच्चों के शिक्षा पर करोड़ों रुपए तो करता है, परंतु सरकार के दावे की मटिया मेद करते हुए यहाँ का विभाग नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हजारों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो रिजल्ट हमेशा शून्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की शिक्षा को लेकर किए गए दावों में सच्चाई कितनी है। तस्वीरों में देखिए आप, स्कूल जो दो तल्ला का निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें सीढ़ी ही नहीं है, लकड़ी की सीढ़ी से स्कूल में बच्चे चढ़ते हैं। खुदा न खास्ता यदि कोई भी अच्छा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार, विभाग या फिर खुद ब खुद बच्चे के माता पिता? वहीं उस स्कूल में सीढ़ी बनाने के बजाय पेड़ की टहनियों को बांस के सहारे बांधकर सीढ़ी का निर्माण कर दिया गया है, यह भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं और अव्यवस्था को दर्शा रहा है। R9 भारत TV स्क्रीन आज आपको ऐसे ही इस भ्रष्टाचार और अनियमितता भरे स्कूल से रूबरू करा रही है। मीडिया कर्मी के द्वारा प्रधानाध्यापक विमल प्रसाद सिंह से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि वह न्यूज ना चलाएं, एक हफ्ते के अंदर सीढ़ी निर्माण करवा देंगे। क्या न्यूज चलाने के डर से यह सीढ़ी का निर्माण करवाया जाएगा, या उत्तर समझकर आप इनकी बुद्धिमता का अंदाजा तो बेहद अच्छे से लगा पा रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें, बच्चों के भविष्य को कैसे गढ़ा जा रहा है इस स्कूल में, यह अत्यंत दुखदाई है। सुन लीजिए, हमारा तबियत खराब रहता है, हम इलाज में है, हार्ट डिजीज है, हमको आप लोग तंग नहीं कीजिए। आप छुट्टी क्यों नहीं दिए? हाँ, आप छुट्टी क्यों? हाँ, छुट्टी वो देखिए, गाड़ी आई है, हम जा रहे हैं खुद। आपको एप्लीकेशन लगा के पहले चले जाना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, बच्चा के हम खाना के लिए। सर, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल का शिक्षक जो है असमर्थ है, हम कुछ भी बतावे से असमर्थ है आपको। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल का जो सीढ़ी निर्माण हुआ है सर,
उसमें सीढ़ी क्यों नहीं बनाया गया, लकड़ी का सीढ़ी बनाया गया है, ऐसा क्यों? मीडिया कर्मी को जवाब न देकर अपना बैग व स्कूल रजिस्टर लेकर शिक्षक भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तारो देवी का क्या कहना है। देखिए सर, हमको ये कहना है कि दो तल्ला स्कूल है, उसमें सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी भी बनाया गया है, वो जंजीर जैसा है लकड़ी का, उसमें बच्चा उच्चा भी खेलता है तो गिर पड़ जाता है। कैसे चाहता है बच्चा स्कूल में? कैसे? इतना ही नहीं, इसके बाद हम आपको बता दें मिड डे मील एक ऐसी व्यवस्था जो सरकार ने बच्चों के पोषण और आहार के लिए व्यवस्थित किया है, परंतु यहां पर कहना है कि बच्चों का खाने खाने वाला चावल भी बेच दिया जाता है। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे, भून यादव ने खुद ब खुद टीवी स्क्रीन पर अपना वक्तव्य दिया है, देखिए यह खबर। स्कूल को चावल जो है रिवेल गुरु जी सारा जो है वो जो है से यहाँ से टेम्पो से निकाल करके जोगियर ले जाते हैं शाम को 7 बजे। हम लोग कुछ बोलते हैं तो धमकी देता है कि तुमको फंसा देंगे, और यदि उससे बेसी हम लोग बोलते हैं तो फंसा दिए एक दो बार, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। जब टीसी मेरा बच्ची एक बार फेल किए और जब उसको छातीपूर्ति मांगे कि जब गुरु जी जब बच्ची हमको फेल हुआ तो नाम कैसे कट गया, कहाँ पढ़ा जाएगा, जब फेल हुआ तो फिर भी यह स्कूल में ना आएगा, तो नहीं वो खत्म हो गया ना। और आपसे क्या करने कहता है इस स्कूल में? उसको बाद जो है अभी बोले कि आपको टीसी मिल जाएगा स्कूल में आने के, तो 3 आदमी के सामने स्कूल खुला था तब नहीं मांगे, कहा कि घर आने घर किए तो कहा कि आप बोरिंग करते हैं हाथ वाला, वो तो बोरिंग मेरा कर देना, उसके बाद आपको टीसी मिल जाएगा फ्री में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा भून यादव नाम है। बीते कुछ दिन पहले ही जिला उपायुक्त अंजलि यादव को ग्रामीण के द्वारा सौंपा गया है ज्ञापन। हरहद गांव के ग्रामीण ने स्कूल की मनमानी रवैये से परेशान होकर ग्रामीणों ने स्कूल की विधि व्यवस्था सही करने और बच्चों का मध्याह्न भोजन राशि में बंदर बांट करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा चतरा उपायुक्त अंजलि यादव को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक 2004 से इसी विद्यालय में जमे हुए हैं, जिनका इस स्कूल में अभी तक तबादला ही नहीं किया गया। बढ़िया पढ़ाई भी नहीं हो रहा, तो क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि भोजन वाला पैसा मेरा खाता पर हमरा पर आता है, हमारा हाथ में रहेगा, बच्चा का खिलाएंगे भी तो चाह रहे उसमें हम मजदूरी कहिए चाहे जो कहिए जनता के सामने खाएंगे, मगर चोर बन के नहीं खाएंगे। तो क्या क्या चोरी किया जा रहा है स्कूल में? चोरी किया जा रहा है कि मान लेते हैं जितना वेतन मिलता है उतना बच्चा को खाना नहीं मिल रहा, उतना हमको मजदूरी नहीं पड़ रहा। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जितना बच्चा का पैसा मेरा खाता मिले, मेरा हाथ में मिले, उसे बच्चा को हम खिलाएंगे, जनता हमको जो सजा देगा हम लेने के लिए तैयार। क्या नाम हुआ? लट्टू यादव नाम है। आप क्या है इस स्कूल के? हमारे पुथू का ससुर है, संजो का है बड़े पुथू। आपके आपकी बहू है? न पुथू है, बड़ा पुथू है। कौन मांगा था 1000 पैसा? पढ़ने पढ़ाने में अभिरुचि नहीं रखने वाले शिक्षकों को जांच के बाद हटाया जाएगा, ऐसा कहा है जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा ने। देखिए जितेंद्र कुमार सिन्हा का यह बयान। एक विद्यालय में 2 तल्ला मंजिल बन गया है, लेकिन सीढ़ी जो है सर उसका निर्माण नहीं हुआ है, बच्चों बांस की सीढ़ी से चढ़ करके गिर रहे हैं, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है। यह विद्यालय प्रतापपुर प्रखंड में है और मैं यहीं पर बैठे हुए हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उनको मैं आदेश दे रहा हूं कि आप उस विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं अथवा जो पूर्व में प्रभारी रह चुके हैं उनका आप वेतन स्थगित करें और कहें कि आप अविलंब 2-4-10 दिन के अंदर वर्क पूरा करा दें। सर उनसे पूछा गया कि देश राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है, उन्होंने बताने से इनकार किया, राज्यपाल का नाम पूछा गया उन्होंने बताने से इनकार किया, तो ऐसे शिक्षक से बच्चों क्या उम्मीद रखेंगे? यह जनरल नॉलेज की चीज़ है और सामान्य ज्ञान भी बच्चों को बताया जाना है, तो यदि वह यह सब नहीं बता पाते हैं मतलब है कि शिक्षक जो है वह पढ़ने पढ़ाने जानने सीखने सिखाने में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। और मैं इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों का वेतन हमारे बीओ साहब स्थगित रखेंगे और 1 सप्ताह के अंदर वह स्वयं जांच करेंगे और जो भी प्रखंड साधन सेवी अथवा सीआरपी हैं उनकी मदद से उसकी जांच करेंगे, और यदि वे अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाते हैं नहीं पढ़ते हैं
तो उसके विषय में लिखेंगे, उसको क्यों नहीं हटाने की कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। अब इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से जब सवाल किया जाता है तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को वह आदेश दे रहे हैं ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर यह बताया जाए कि इस विद्यालय में हो रही अनियमितताएं और शिक्षा की गुणवत्ता में इतनी कमी आखिर किस दशा को दर्शा रहा है। सरकार की सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा नीति को पलीता लगाता हुआ यह स्कूल नजर आ रहा है। खैर, देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद कार्रवाई कब तक होगी। शायद R9 भारत टीवी स्क्रीन पर खबर चलने के बाद ही इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो पाए और इनका भविष्य बन सके। फिर हाजिर होंगे इस खबर से संबंधित हर एक जानकारी के लिए। तब तक बने रहें सिर्फ R9 भारत टीवी।